हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं डॉली वर्मा आज आपको हिंदी रचना प्रसून का लेसन 3 संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आपको पता है संज्ञा क्या है? संज्ञा जिसको हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, संज्ञा है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। बच्चों, जैसे पता है आपको, इस संसार में हर किसी का अपना एक नाम होता है और हम उसी नाम से उसको पहचानते हैं। इस संसार में सजीव और निर्जीव। सजीव वो जिसमें जान होती है, जैसे पशु, पक्षी, हम, मनुष्य, और निर्जीव वो जिसमें जान नहीं होती। तो हर किसी को सजीव और निर्जीव चीज़ों को हम उसके नाम से पहचानते हैं और यही नाम संज्ञा कहलाता है। जैसे व्यक्तियों के नाम, स्थान के नाम, वस्तु के नाम, इन सबको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरा नाम, आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, ये सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के मैंने जैसे आपको बताया, आपका नाम, मेरा नाम, सबका नाम क्या है? ये संज्ञा है। वस्तु, आप बेटा जिस कमरे में बैठे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ देखिए आप चारों तरफ कितनी चीज़ें हैं। जैसे आपके पास किताब है, पेंसिल है, बैग है, पंखा है, पानी की बॉटल है, ये सब क्या है? वस्तु हैं। और इन हर किसी वस्तु का अपना एक नाम होता है, तो ये सब क्या है? संज्ञा। व्यक्ति और वस्तु के बाद आती है अब स्थान की बारी। स्थान क्या होता है? स्थान होता है जगह, जगह का नाम। जैसे आप सब कहाँ रहते हैं? गाज़ियाबाद में। तो गाज़ियाबाद जो नाम है वो क्या है? संज्ञा। आपके स्कूल का क्या नाम है? सेंट जोसेफ्स एकेडमी। ये कहाँ पर है, किस स्थान पर है? ये है नंदग्राम, मरियम नगर में स्थित। तो गाज़ियाबाद, नंदग्राम, मरियम नगर, ये सब नाम क्या दर्शाते हैं? ये संज्ञा है। जिन शब्दों से हमें पता चलता है, जो किसी के नाम के बारे में बताते हैं, वो सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे कमीज, पुस्तक, ताजमहल, गुड़िया, औरत, गाय, चम्मच, बंदर। इन सभी चित्रों में व्यक्ति, वस्तु, स्थान के चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है और नाम वाले शब्दों को ही हम संज्ञा कहते हैं। ये सभी शब्द संज्ञा हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ये सब किसी विशेष व्यक्तियों के नाम हैं और हम इनके नामों से हम इनको पहचानते हैं। बेटा, लेकिन कुछ व्यक्तियों को हम उनके कामों से भी पहचानते हैं। जैसे ऊपर जो नाम दिए गए हैं वो तो हम उनके नामों से जानते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों को हम उनके काम से जानते हैं। जैसे कुम्हार, जो मिट्टी के दिए, मिट्टी के बर्तन, घड़े बनाता है, दर्जी,
जो सबके कपड़े सिलता है, माली जो पेड़ पौधों की देखभाल करता है उसको पानी देता है, किसान जो हमारे लिए फसल उगाता है। तो ये सब व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं और इन सबको हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के बाद अब आती है वस्तुओं की बारी। वस्तु जैसे फल, सब्जी, फूल, किताब, कमल, आम, बैंगन, टमाटर, ये सभी चित्र आप लोग देख सकते हैं। ये सभी वस्तुओं के नाम हैं। वस्तुओं में फल, फूल, सब्जी, निर्जीव चीज़ें जो हैं ये सब संज्ञा कहलाती हैं। व्यक्ति और वस्तुओं के बारे में अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आती है स्थान के बारे में। स्थान मीन्स जगह, जगह, विद्यालय, स्कूल, हिमालय, मंदिर, महल, डाकघर, चिकित्सालय, चिकित्सालय मीन्स हॉस्पिटल, गंगा, कुतुब मीनार, ये सब स्थानों के नाम हैं, जगहों के नाम हैं। हम किसी भी जगह को उसके नाम से बुलाते हैं, जैसे गाजियाबाद, मेरठ, स्कूल, पार्क। तो बच्चों अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव होते फीलिंग, जैसे बहादुरी, बचपना, अब इस पाठ की अभ्यास के बारे में हम बताते हैं। नंबर वन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मौखिक अभिव्यक्ति। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें उनके आंसर बताने हैं। क, नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं। बच्चों मैंने अभी आपको पहले भी बताया है ना कि नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं। चलिए बताइए सब, संज्ञा। नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ख, चार वस्तुओं के नाम बताइए। बच्चों इसमें आपको चार वस्तुओं के नाम लिखने हैं, जैसे फल, फूल, सब्जी, आम, किताब, गिलास। आप अपनी इच्छा अनुसार चार वस्तुओं के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ग, चार स्थानों के नाम बताइए। वही चार जगह के नाम बताने हैं, जैसे महल, डाकघर, विद्यालय, गाज़ियाबाद, मेरठ, आगरा। आप अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर चार स्थानों के नाम लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न दो पर। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, किताब, गाय, राम, घर। यहाँ ये रिक्त स्थान है और हमें इन्हीं ऑप्शंस की सहायता से इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। क, क में है डैश, मेरा दोस्त है। बताइए अब यहाँ पर क्या आएगा। राम, राम मेरा दोस्त है। ख, मेज पर डैश रखी है। अब आपके पास ऑप्शंस बचे हैं, किताब, गाय, घर। तो मेज पर क्या रखी है, मेज पर किताब रखी है। अब आते हैं ग में, डैश का दूध मीठा होता है। बच्चों किसका दूध मीठा होता है, और यहाँ पर आप ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा बताइए आप सब। यहाँ पर आएगा गाय, गाय का दूध मीठा होता है। अब आते हैं ख में, यह मेरा डैश है, यह मेरा घर है। ये सारे रिक्त स्थान बच्चों आपको अपनी रचना प्रसून की कॉपी में करने हैं। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और तीन कॉलम्स बने हैं, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम। इस कॉलम में
जो ऑप्शंस हैं वो लिखे हैं मंदिर, सचिन, गेंद, किसान, हिमालय, किताब, दिल्ली, पंखा, राधा, गांव, बोतल, सरिता। बच्चों यहाँ पर ये हमें व्यक्तियों के, वस्तुओं के और स्थानों के नाम दिए गए हैं और हमें ये सभी नाम इसके कॉलम के हिसाब से यहाँ पर हमें लिखने हैं। जैसे मंदिर क्या है, स्थान, सचिन व्यक्ति, गेंद वस्तु, किसान व्यक्ति, हिमालय स्थान, किताब वस्तु, दिल्ली स्थान, पंखा वस्तु, राधा व्यक्ति, गांव स्थान, बोतल वस्तु, सरिता व्यक्ति। आप सबको समझ में आ गया कैसे लिखने हैं, ये हमें कॉलम वाइज सारे ऑप्शंस छांटकर लिखने हैं। अभी जैसे हमने ऊपर किया था ये एक्टिविटी भी वैसी ही है, लेकिन हमें उसके अलावा कुछ नाम यहाँ पर लिखने हैं। जैसे व्यक्ति, व्यक्ति हमें तीन तरह के नाम लिखने हैं। आप इसमें मोहन, राम, श्याम, डॉक्टर, किसान, दर्जी, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आती है वस्तु, वस्तु में आप किताब, गिलास, अलमारी, बोतल, पंखा, आम, फल, फूल, अपनी इच्छा अनुसार आप यहाँ पर वस्तु के नाम लिख सकते हैं। अब आते हैं स्थान, स्थान मीन्स जगह, जगह में जैसे गाज़ियाबाद, आगरा, डाकघर, मेरठ, महल, पार्क, आप इस तरह से स्थान लिख सकते हैं। पशु, जानवरों के नाम लिखने हैं, हाथी, चीता, बंदर, भालू। अब यहाँ पर आप जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सही उत्तर वाले विकल्प पर टिक लगाना है। यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और हर प्रश्न के नीचे तीन आंसर लिखे हैं, लेकिन उसमें से एक ही आंसर सही है। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थान का नाम है पंखा, मंदिर, फूल। बच्चों बताओ अब स्थान का नाम क्या है, पंखा भी नहीं है, मंदिर, मंदिर है स्थान का नाम, तो हम मंदिर के आगे वाले कॉलम में टिक लगाएंगे क्योंकि पंखा और फूल क्या है, वस्तु हैं। नंबर टू, निम्नलिखित में से वस्तु का नाम है, वस्तु का क्या नाम है बताओ, कुर्सी है, मोहन है या विद्यालय है, वस्तु है कुर्सी, तो हम यहाँ पर कुर्सी के सामने टिक लगाएंगे क्योंकि मोहन व्यक्ति का नाम है और विद्यालय स्थान का नाम है। नंबर थ्री, निम्नलिखित में से संज्ञा नहीं है, बच्चों हमें उस शब्द पर टिक लगाना है जो संज्ञा नहीं है। दर्जी किसी व्यक्ति का नाम है, किताब वस्तु का नाम है और हंसना संज्ञा नहीं है, हंसना एक एक्शन है, क्रिया है, तो यहाँ पर हमें जो शब्द संज्ञा नहीं है हमें उस पर टिक लगाना है, तो यहाँ हम हंसना के सामने जो कॉलम बना है वहाँ पर हम टिक लगाएंगे। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, नंबर वन में स्थान का नाम है मंदिर, नंबर टू में वस्तु का नाम है कुर्सी, नंबर थ्री संज्ञा जो नहीं है वो है हंसना। निम्नलिखित शब्दों में से जो संज्ञा शब्द नहीं है उन पर क्रॉस तथा संज्ञा शब्दों पर टिक लगाना है। यहाँ पर बच्चों हमें जो संज्ञा शब्द हैं उन पर हम टिक लगाएंगे और जो संज्ञा शब्द नहीं है उस पर हम क्रॉस लगाएंगे। जैसे मंदिर, मंदिर पर ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, मंदिर स्थान है तो ये संज्ञा है। हंसना, हंसना संज्ञा नहीं है क्योंकि ना ही कोई व्यक्ति का नाम है, ना किसी वस्तु का नाम है और ना ही किसी स्थान का नाम है, तो ये क्रॉस होगा। पेंसिल टिक संज्ञा है, पढ़ना ये भी क्रॉस होगा,
जहाज संज्ञा है, लड़की भी संज्ञा है, कैमरा भी संज्ञा है, और नीचे संज्ञा नहीं है। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, इसमें हंसना, पढ़ना और नीचे पर क्रॉस होगा क्योंकि ये संज्ञा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और चित्र दिए गए हैं, जैसे मेज, फल, गेंद, ये तीनों संज्ञा हैं, इन तीनों पर हम टिक लगाएंगे। खाना, खाना क्रिया है, ये संज्ञा नहीं है, इस पर हम क्रॉस लगाएंगे। घूमना, ये भी क्रिया है, इस पर भी हम क्रॉस लगाएंगे। कंघा, किताब और माँ, ये तीनों शब्द संज्ञा हैं, इसमें खाना और घूमना ये दोनों शब्दों पर हम क्रॉस लगाएंगे क्योंकि ये शब्द संज्ञा नहीं है, और बाकी शब्दों पर हम टिक लगाएंगे। प्रश्न 2, 5 खाने वाली चीज़ों के नाम लिखिए जो आपको पसंद है। बच्चों, इसमें आपको अपनी इच्छा के अनुसार 5 खाने वाली चीज़ें लिखनी हैं, जैसे समोसा, फल, जूस, छोले चावल, प्रश्न 3, 5 ऐसे खेलों के नाम लिखिए जो आपको पसंद है। इसमें आप लिख सकते हैं जैसे कैरम, लूडो, शतरंज, खो खो, हॉकी, क्रिकेट। प्रश्न 4, 5 शहरों व 5 नदियों के नाम लिखिए। पहले आप 5 शहर हेडिंग डालेंगे और उसके बाद 5 शहरों के नाम लिखेंगे, जैसे आगरा, मेरठ, जयपुर, गोवा, गाज़ियाबाद, इलाहाबाद। अब आती है 5 नदियों के नाम। 5 नदियों के नाम लिखने हैं यहाँ पर, जैसे यमुना, गंगा, सरस्वती, नर्मदा, झेलम, कावेरी, गायत्री, ये सब नदियों के नाम हैं। ये जितने भी शब्द आप लिखेंगे उन सभी शब्दों को रफ कॉपी पर प्रैक्टिस भी करनी है। बच्चों, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सबको संज्ञा क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। संज्ञा मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हर किसी का नाम होता है, हम उसको उसके नाम से पुकारते हैं और वही नाम संज्ञा कहलाता है। ये जो क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपको अपनी रचना प्रश्न की कॉपी में इनके आंसर लिखने हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 5 खाने वाली चीज़ों के नाम जो आपको पसंद हो, फिर 5 खेलों के नाम, खो खो, कैरम, लूडो, शतरंज, गोल्फ, टेबल टेनिस, 5 शहरों के नाम, आगरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, जयपुर, इलाहाबाद, रांची, नदियों के नाम, सरस्वती, कावेरी, झेलम, गंगा, यमुना, नर्मदा।